पिताजी कहाँ है, आपके पिताजी कहाँ है। हाँ, तो आज के वीडियो में आप लोग का सबका डाउट क्लियर करने वाले हैं। स्वागत करते हैं आप सबका एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है हम वेस्ट बंगाल में हैं और आज हमारा वेस्ट बंगाल का लास्ट दिन है। आज हम लोग का ट्रेन है, यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे वाराणसी के लिए। सबसे ज़्यादा इस ट्रिप के अंदर जो आप लोग का कमेंट आया है कि आपके पिताजी कहाँ हैं और आप अपने घर पर क्यों नहीं गए, अपने ननिहाल में आप क्यों रह रहे हैं, तो सब कुछ आप लोग इसी व्लॉग में पता चलेगा। और हमारे पिताजी हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते, अभी कहाँ पर है, सब कुछ आज आप लोग को बताने वाले हैं। और ये सब जगह बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं दोस्तों। आज सुबह सुबह घर पे खाना ही बनना चालू हो चुका है क्योंकि सुबह हम लोग 11:30 बजे यहाँ से निकलने वाले हैं। और यहाँ पे भैया अभी खाना खा के उठे हैं, रात का बचा हुआ था थोड़ा बहुत खाना। भाभी यहाँ मसाला पीस रही हैं, सालू यहाँ पे फिश फ्राई कर रहा है क्योंकि देखिए हम लोग बंगाली, हम लोगों के लिए मछली होता है शुभ। हम लोग कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं या फिर कहीं हम लोग जाते हैं तो पहले हम लोग मछली चावल खाते हैं क्योंकि बंगाली का जो मेन आहार है वो है मछली चावल। कुछ भाई लोग का बहुत सारा कमेंट आता है हमारे वीडियो में कि आप लोग जब से गए हो तब से आप लोग सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज खा रहे हो। तो देखिए, जब किसी रिश्तेदार के आप जाते हैं, मेहमान के यहाँ जाते हैं ना, तो वो लोग सोचता है कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें वो खिला दे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे मामा जी हम लोगों को ये सब चीज़ें खिला रहे थे और हम लोग खा रहे थे, हम लोग को बहुत अच्छा भी लगता है दोस्तों। और सालू कुछ बोलना चाह रही है, बताओ। सबका अपना अपना कल्चर होता है, हम लोग का अपना अलग कल्चर है। हम लोग के कल्चर में ज़्यादातर नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज में भी अधिकतर मछली, जैसे मुर्गा मीट बहुत कम देखेंगे, हम लोग में मछली ज़्यादा खाया जाता है। और दोस्तों, यही वजह है कि बंगाली के घर के ठीक सामने पोखरा जरूर होता है। कोई भी बंगाली होगा ना, भले मतलब बाहर रहता है, बाहर में तो नहीं हो पाता, लेकिन गांव वाला जो मकान होता है वहाँ पे पोखरा बनवा के रखता है और उस पोखरा में मछली भी छोड़ के रखता है। दोस्तों, अभी क्या है कि टैक्सी हम लोग का आने वाला है और मौसम भी देखिए बिगड़ना चालू हो चुका है। यहाँ पे कब बारिश हो जाए ऐसा कुछ ठीक नहीं, कभी बारिश हो सकता है, कोई फिक्स नहीं, कभी भी हो सकता है, ठीक है। मौसम तुरंत खराब हो रहा है, तुरंत बारिश हो रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं खाना खा के रेडी रहने के लिए क्योंकि हम लोग को यहाँ से कुछ देर बाद निकल जाना है दोस्तों। तो मामी जी खाना निकाल रही है हम लोग के लिए, चावल और क्या क्या सब्जी बनाए आप लोग को दिखाते हैं। हम लोग खाना लग चुका है, दोनों भाई खाना खा रहे हैं। अभी सालू कैमरा पकड़िए, अभी कुछ देर में ये सब भी खाना खा के रेडी हो जाएगा। तो आइए दिखाते हैं क्या क्या बनाए। ये छोटा वाला मछली जो करेला डाल के बनाया, करेला आलू से बहुत टेस्टी है। और ये मछली का खट्टा बनाया है नींबू डाल के, ये भी बहुत टेस्टी होता है। एक पीस आलू खा के दिखाते हैं, एक अलग ही फ्लेवर है। चलिए खाना खाते हैं। दोस्तों, हम लोग का गाड़ी आ चुका है, हम लोग पूरा रेडी हो चुके हैं, तो चलिए चलते हैं बाहर। भाई साहब आ चुके हैं गाड़ी पूरा फैमिली को लेके और बैग लेके निकलते हैं गाड़ी पे। तो यहाँ पे टैक्सी अपना आ चुका है, टैक्सी के अंदर पूरा सामान को रख दिया है पीछे में, अभी थोड़ा बहुत सामान और है, रखते हैं। दोस्तों, मम्मी अभी रो रही हैं क्योंकि अभी हम लोग को यहाँ से अब निकलना है। तो होता है ना कि फैमिली का एक तनाव होता है, जैसे कि मामा का घर है, अब इनका यहीं पे जन्म हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जहाँ पे इंसान का जन्म होता है, अब मान लीजिए सालू अपने घर जाएगी, कहीं लॉन्ग उनका शादी हुआ या फिर कहीं लंबे दूर पे रहती हैं तो थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है। इसी वजह से मम्मी, हमारी मामी सबको यहाँ पे एक एक दो दो साल बाद यहाँ आना होता है, इसी वजह से। तो फाइनली अभी हम लोग यहाँ से निकलने के रेडी हो चुके हैं। मम्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रो रही हैं, ये देखिए रोना आ ही जाता है दोस्तों, क्या किया जाए। अभी बहुत दिन बाद हम लोग आए भी थे और फैमिली के साथ अब निकल रहे हैं बनारस के लिए, ठीक है। तो अपना ये टैक्सी धीरे धीरे सब कोई बैठ रहा है। ये हमारी भाभी मोदी, आबार देखा हो भी दादा, आबार देखा हो भी, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मामी जी भी रो रही हैं, देख सकते हैं ये सब बच्चे लोग हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग निकला जाए, पूरा फैमिली को पीछे बैठा लिया, देख सकते हैं। तो हम लोग का गाड़ी चल चुका है यहाँ से, अभी हम लोग हावड़ा से ट्रेन पकड़ेंगे। इधर का व्यू बहुत ज़बरदस्त है, मिस करेंगे अपने गांव को दोस्तों, क्योंकि आने का यहाँ पे टाइम नहीं मिल पाता है और अपना काम ही ऐसा, आप लोग को पता है, टूर करते हैं हर जगह का। और अभी यहाँ से अपना लेह लद्दाख का ट्रिप चालू होने वाला है, बनारस पहुँचेंगे, बस दीपावली तक हम घर पर रहेंगे, दीपावली के बाद फिर फरार। कितना भी हम लोग शहर में रह लें लेकिन गांव भाग के आना ही पड़ता है। एक होता है जन्मभूमि, एक होता है कर्म भूमि। तो कर्म हम कहीं और कर रहे हैं इस समय, बनारस में रह रहे हैं, काशी नगरी में, इतना अच्छा जगह में है, ठीक है। माँ दुर्गा का नगरी छोड़ के, माँ दुर्गा का जगह छोड़ के, माँ काली का जगह छोड़ के
हम पहुंच चुके हैं काशी नगरी में, बाबा के नगरी में रहते हैं। बहुत अच्छा जगह है बनारस, लेकिन कहते हैं ना जहाँ आपका जन्म हुआ है घूम फिर के आपको यहाँ पे आना ही पड़ता है। तो ये देखिए, अच्छा पहले ये ब्रिज नहीं था, तो पूरा पूरा हमारा गांव टापू था। ये जब ब्रिज बन गया तब इस ब्रिज के ऊपर से गाड़ी जाने लगा पूरा हमारे घर तक। पहले कोई सुविधा नहीं था, हमारे गांव में जाना पड़ता था तो नैया पार करना पड़ता था यहाँ से, उसके बाद ही फिर हम लोग एंटर कर पाते थे। मम्मी जी है, सालू कैसा लग रहा है अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं? अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि 8 दिन में बहुत ज्यादा लगा हो गया। माँ कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा, मैं का छोड़ के जा रहा तो अच्छा लग रहा है। यहाँ प्यार बहुत ज्यादा मिला, बहुत ज्यादा प्यार। हमारे गांव में दोस्तों अपनापन है, ठीक है। शहर में तो आदमी इतना बिजी रहता है कि किसी से आप मतलब बात नहीं कर सकते। एक अगर किसी को 10 मिनट दोगे तो लगता है कि यार बहुत ज़्यादा बोझ हो गए इंसान के ऊपर आप। लेकिन गांव में क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि हम लोग आएँ, इनके घर पे रहें, मतलब एक लगाव है अलग सा। आप लोगों ने देखा होगा आते टाइम फ्लाइट से आए थे तो इसी टैक्सी में हम लोग आए थे, इसी टैक्सी में आए थे ना। तो जो हम लोग को लेके आए थे अंकल जी, वो आपके क्या लगते हैं? जीजा जी। अच्छा, इनके जीजा जी लगते हैं। तो अभी भैया नहीं आ पाए, मतलब अंकल जी नहीं आ पाए तो अपने साला साहब को भेज दिए हैं। तो भैया हम लोग को आ गए हावड़ा से लेने के लिए, तो ये हम लोग का हावड़ा छोड़ के ये चले जाएंगे एयरपोर्ट के आसपास से। आप लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो भैया लोग एयरपोर्ट के आसपास से गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों आप लोगों को मेरा गांव कैसा लगा, ये गांव का टूर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक है। दोस्तों अभी हम लोग कागदीप पहुंच चुके हैं, ये है कागदीप का मार्केट और अभी यहाँ पे पूरा काली पूजा का तैयारी चालू हो चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ से अभी 10 किलोमीटर पीछे पड़ता है नामखाना, हम लोग नामखाना से करेला लोड करके बनारस जाते थे। सोच सकते हैं यहाँ से अपने गांव से करेला लेके जाते हैं बनारस और बनारस के लोग खाते हैं। तो ये कभी कभी अच्छा भी लगता है, हमको तो पता भी नहीं था कि यहाँ से करेला जाता है। वो तो हमारे एक मित्र है, ठीक है, राजू भाई, उन्होंने ही बोला कि आइए लोड करवा देंगे, तो उनका माल हम लेके गए हैं। 2-3 टीप लेके गए हैं माल उनका हम। तो हम लोग कागदी पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं, यहीं से अपने गाड़ी में भी पेट्रोल भराएगा क्योंकि ये पेट्रोल वाली गाड़ी है। उसके बाद फिर हम लोगों का सफ़र रह जाएगा 100 किलोमीटर का, ठीक है। कागदीप से मेरा घर पड़ता है 20 किलोमीटर। आप लोगों का काफ़ी कॉमेंट आ रहा था वेस्ट बंगाल से कि वीडियो भाई आपके घर आएंगे मिलने के लिए। देखिए हम अपना पूरा एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को इसलिए नहीं बताएं, एक तो मौसम इधर का बहुत गड़बड़ था, फिर आप लोग इतना दूर दूर से मेहनत करके मेरे लिए आएंगे मिलने के लिए तो मुझे एक्चुअली अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से आप लोगों को मैंने अपना लोकेशन नहीं बताया था। तो अभी जाके हम लोग जोका पहुंच चुके हैं और ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ये है मेट्रो का फ्लाईओवर। इस रोड पे ना बहुत ज्यादा आपको सिग्नल देखने को मिलेगा, इसके वजह से थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। अब सोचिए यहाँ से हावड़ा 15 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन दिखा कितना रहा है 40 मिनट। सोच सकते हैं 15 किलोमीटर जाने के लिए 40 मिनट। तो अभी हम लोग खिदीरपुर पहुंच चुके हैं, तो अभी बगल में खिदीरपुर ब्रिज, इसी के ऊपर चढ़ के हम लोग को जाना है। आज आप लोग को हावड़ा ब्रिज भी दिखाने वाले हैं। दोस्तों हम लोग बाबूघाट पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे ना बहुत जगह का बस दिखने को मिल रहा है, मतलब कहीं का भी आपको यहाँ से बस मिल जाता है। तो ये बाबूघाट का एरिया और पीछे बगल में जो देख रहे हैं आप, इसके पीछे मतलब ये बस के पीछे पूरा बहुत बड़ा गंगा जी है। अभी हम लोग हावड़ा ब्रिज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देखिए कोलकाता मतलब क्या होता है ना टैक्सी, ये वाला जो टैक्सी आप देख रहे हैं ये काफी यहाँ का फेमस है। अभी तो बंद हो गया है अम्बेस्टर, लेकिन कोलकाता में चल रहा है भाई। तो अभी हम लोग हावड़ा ब्रिज के ऊपर चढ़ने वाले हैं, अपने गाड़ी से आते हैं। दोस्तों चढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि इसके ऊपर नो एंट्री रहता है भारी वाहनों का, और इसके ऊपर से बस चलता है। भारी वाहन में तो सब बस भी आना चाहिए ना, लेकिन पिकअप के लिए नो एंट्री रहता है। तो कितने बजे नो एंट्री खुलता है ये हमको पता भी नहीं है, एक बार गलती चले गए थे और यहाँ पुलिस पकड़ लिया हमको। तो चलान काटने वाला था तो बहुत रिक्वेस्ट किया तो छोड़ दिया, चलान काटा नहीं मेरा गाड़ी का। और बंगाली में बात किया कि हमें जानता हम ना भूले चोले सी, तो बोला चलो कोई बात नहीं, तो घुमा के फटाफट फिर वापस चले हैं हम लोग। तो आज हम लोग हावड़ा ब्रिज के ऊपर से जाने वाले हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब देखने का भी इच्छा करता है कि इतनी पुराना ब्रिज है ना ये। ये देखिए पहुंच चुके हैं हम लोग हावड़ा ब्रिज, ये है सामने हावड़ा ब्रिज दोस्तों, अभी इसी के ऊपर हम लोग चढ़ने वाले हैं। और ये ब्रिज देखिए कितना मजबूत लग रहा है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि कल ही बनाया गया हो, बहुत जबरदस्त लग रहा है दोस्तों। ये देखिए, तो अभी हम लोग हावड़ा ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब चढ़ चुके हैं और चल रहे हैं। हावड़ा ब्रिज क्रॉस करते ही हम लोग पहुंच जाएंगे हावड़ा रेलवे स्टेशन के ठीक सामने। फाइनली हावड़ा स्टेशन के नीचे और ठीक सामने गाड़ी लग चुका है हम लोगों का, तो अभी चलिए अंदर एंटर करते हैं। ये हावड़ा स्टेशन है दोस्तों, सामान ज्यादा था तो यहाँ पे हम लोग सामान पहुँचाने के लिए अंकल जी को ले लिए हैं। अभी हमारे कुली अंकल जी हैं जो कि हमारा सामान को 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुँचाने वाले हैं। और बाबू को मैंने कंधा बैठा लिया है, शालू का तबीयत सही नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है अभी सही।
इसको थोड़ा सा ना वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है, जब भी गाड़ी में बैठता है थोड़ा उल्टी चालू हो जाता है। तो हमारे ये कुली अंकल है जो कि बिहार से हैं और ये हमारा सामान पहुंचा देंगे 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और बात करें हम लोग का ट्रेन कौन सा पकड़ना है भाई? अम्बाला एक्सप्रेस हम लोग का ट्रेन का नाम है, उसी को हमको पकड़ के जाना है यहाँ से बनारस के लिए। दोस्तों पूरा फैमिली को लेकर निकल चुके हैं और सामने हमारे कुली भैया जा रहे हैं, देख सकते हैं। अभी सबको प्लेटफॉर्म में बैठा के हम आ चुके हैं स्टेशन से बाहर। तो अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पे घाट है, ये चीज़ मुझे पता नहीं था दोस्तों। और यहाँ से पूरा हावड़ा ब्रिज के नीचे का जो हिस्सा है पूरा दिखता है, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग और ये जो पीछे आप देख रहे हैं पूरा हावड़ा ब्रिज है, ठीक है। और ये देख सकते हैं फेरी घाट बोलते हैं बंगाल में, जैसे गंगा पार कराने के लिए यहाँ पूरा सरकार व्यवस्था बना के रखा है। ये घाट है, यहाँ पे फेरी आएगा मतलब नाव आएगा उस पार इस पार करने के लिए पूरा व्यवस्था बना के रखा हुआ है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये हावड़ा ब्रिज कितना ज़बरदस्त लग रहा है और यहाँ पे बहुत लोग नहाते हैं, ठीक है। तो बाहर आए थे कुछ फल खरीदने के लिए, बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेना था, मेरे वाइफ का तबीयत ख़राब है और हमें पता चला यहाँ घाट है, हम सोचे आप लोगों को दिखाते हुए चले, तो काफ़ी अच्छा रहा। एक फ़ोटो भी यहाँ पे लिए, अब निकलते हैं यहाँ से। फाइनली हम लोग का ट्रेन आ चुका दोस्तों हावड़ा अमृतसर, तो हम लोग इसी में चढ़ने वाले हैं। तो ये रहा अपना ट्रेन और हम लोग का कौन सा है भाई? B1। तो ये B2 है, इसके बाद B1 आएगा। दोस्तों फाइनली ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और ट्रेन के अंदर आने के बाद रात भर दबा के सोए और अभी हो चुका है सुबह, हम लोग पहुंचने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो यहाँ पूरा हमारा फैमिली बैठा हुआ देख सकते हैं, उधर वैष्णवी बाबू के साथ, इधर सालू, इधर मम्मी, इधर बाबू। तो अभी सुबह का ब्रेकफास्ट आया है, हम लोग अभी कर रहे हैं नाश्ता अपना सुबह का, तो कुछ देर बाद हम लोग उतर जाएंगे ट्रेन से। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन से बाहर, अभी जाके हम लोग को ऑटो मिल चुका है यहाँ पे, पूरा सामान और पूरा फैमिली को ऑटो में बैठा दिया, अब यहाँ से निकले घर। हम लोग को उतरना था वाराणसी जंक्शन, अभी यहाँ से ट्रेन को जाने में 1 घंटा लगेगा वाराणसी जंक्शन, इसलिए हम लोग पहले ही उतर गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन में। यहाँ से ऑटो में पहुँच जाएंगे हम लोग 40 मिनट में घर और फिर जाते बनारस, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ते फिर 20 मिनट लगता है, इसीलिए हम लोग पहले उतर गए। तो चलिए चलते अब निकलते हैं घर यहाँ से। दोस्तों आ चुके अपने घर पे, पीछे काशी एक्सप्रेस दिख रहा है, वही पुराना आपके वीडियम भाई का लुक आ चुका है। तो बताते हैं आप लोगों का काफ़ी दिन से कमेंट आ रहा था कि वीडियम भाई आपके पिताजी कहाँ हैं, आपके पिताजी कहाँ हैं। हाँ तो आज के वीडियो में आप लोगों का सबका डाउट क्लियर करने वाले हैं। देखिए बात है आज से 22 साल पहले का, जब हमारा उम्र बहुत छोटा था, अभी हमारा उम्र 28 साल है, उस समय सोचिए कितने हम छोटे थे। और 22 साल पहले का बात है, हम लोग का बहुत ज़्यादा गाँव में ज़मीन था, तो हमारे पिताजी वहाँ पे एक बिजनेस बनाने के लिए सोचे, जैसे हम लोग का जो मूल काम था मेन काम था वो मछली पकड़ने का था, ठीक है। और हम लोग किसान हैं तो हम लोग किसानी भी करते थे, हम लोग के पास बहुत ज़मीन था, तो हमारे पिताजी क्या किए हैं कि ज़मीन बेच के एक बिजनेस में पैसा अच्छा खासा इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट मतलब कि एक बहुत बड़ा जहाज़ बनाया जिसको हम लोग वेस्ट बंगाल के अंदर ट्रॉलर बोलते हैं, हमारा ट्रॉलर बोली बांग्लाते और आप लोग जहाज बोलते हैं जो समुद्र में चलता है जो मछली पकड़ने जाता है। तो हमारे पिताजी उसी को बनाए हैं, मतलब उस समय सोचिए कि 12-13 लाख रुपया उस समय लगा था और इस समय एक ट्रॉलर बनाने जाएंगे तो कम से कम 40 लाख के ऊपर जाता है, ठीक है। हम 22 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो ये सब हमारे सामने हुआ है, कुछ कुछ हमको याद है, कुछ कुछ हमारी मम्मी जी ने बताया है। और जो ट्रॉलर जो जहाज का बात कर रहे हैं वो तो हमने अपने आँखों के सामने देखा है, पूरा अपना मतलब खानदान बर्बाद होते हुए मैंने देखा है। तो और बहुत सारा चीज़ें हम भूल भी गए थे बड़ा होने के बाद, तो मम्मी जी बताई हैं, तो फिर से हमको रिटर्न याद आ गया। तो पिताजी अभी हमारे हैं, जिंदा हैं, आप लोगों को बता दें हमारे पिताजी अभी धरती से गायब नहीं हो गए हैं, हमारे पिताजी अभी जिंदा हैं, जीवित हैं। तभी हमारी माताजी सिंदूर लगाती हैं, साका पहनती है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कभी अपने पिताजी को हम वीडियो में नहीं लेके आ पाते हैं। अब बात करें कि हम लोग बर्बाद कैसे हो गए, दोस्तों हम लोग का पूरा ज़मीन बेच के हमारे पिताजी पैसा को इन्वेस्ट करके जहाज़ बनाए थे मछली पकड़ने के लिए। जब हमारे पिताजी जाते थे मछली पकड़ने के लिए तो पिताजी को मछली मिलता ही नहीं था और दूसरे जो मछुआरे जाते थे उनको मछली मिलता था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ होगा या फिर राशि, बहुत सारा चीज़ें होता है कि आपके ऊपर सूट नहीं कर रहा है कोई चीज़, ज़बरदस्ती आप उस चीज़ को करना चाह रहे हैं, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो कहने का मतलब है कभी कभी जब कोई बिजनेस में आपका लगातार नुकसान हो रहा हो तो वो नुकसान आपको नहीं करना है, जो कि मेरे पिताजी बार बार उसी को कर रहे थे। उसके वजह से हम लोग का कर्जा बढ़ता गया, हम लोग बहुत गरीब हो गए, हम लोग का ज़मीन बिक गया, हम लोग का समुंदर किनारे अपना घर था वो भी समुंदर किनारे चला गया। आज हम लोग दो बहनें हैं, दो भाई हैं, एक बहन हमारी गुजर गई है बड़ी वाली बहन, और हम लोग अभी दो भाई और एक बहन हमारा जिंदा है।
तो हमारी माता जी हमारे साथ में रहती है, हम लोग अभी बनारस में रहते हैं। अभी हम लोग मेन जो मूल निवासी हो गए हैं वो काशी के हो गए हैं, क्योंकि यहीं पे जमीन खरीदे हैं, अब यहीं पे घर बनाएंगे। तो हमारे पिताजी जिंदा है, कभी कदार उनसे नंबर भी मिला है, गांव गए थे तो गांव से बात होता है पिताजी का, तो उनसे नंबर मिला गांव से, तो पिताजी को कॉल किया मैंने एक दो बार। कॉल उठाता है, बात करता है बढ़िया से, बहुत अच्छा हमारे पिताजी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ठीक है। आप लोगों को हम लोग का बात करने का तरीका सही लगता होगा, हमारा फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो कैसा होगा, सभी को। हमारे मम्मी भी पढ़ी लिखी है, हम लोग दोनों भाई पढ़ नहीं पाए, अच्छा शिक्षा नहीं ले पाए, लेकिन अच्छा ज्ञान हम लोगों को भरपूर घर से मिला हुआ है कि हम लोगों को कदम कैसे रखना है, मान सम्मान आपको कैसे बचा के चलना है, रोड में आपको कैसे बात करना है। तो ले देखे पिताजी से बात होता है, मेरे पिताजी अभी हैं और इतना पता है लोकेशन कि मेरे पिताजी वेस्ट बंगाल में किसी एक कोने में रहते हैं। तो हम जब वेस्ट बंगाल गए थे, एक बार मेरे पिताजी से बात हुआ कि आप आइए हम मिलना चाहते हैं, तो मेरे पिताजी हम लोगों से देखे मिलना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं मिलना चाहते हैं, वो बोलना है उनका कि हम बेटा तुमसे क्या मुँह लेके मिलेंगे, क्योंकि हम तुम लोग का पूरा बर्बाद कर दिए हैं, हम तुम लोग को कुछ दे नहीं पाए, तुम लोगों के नाम पे एक बिस्सा जमीन भी नहीं रख पाए गांव में, पूरा हमारे वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तो इसीलिए मेरे पिताजी हम लोग के साथ नहीं रहते हैं, वो अलग रहते हैं। अगर मेरे पिताजी कहीं वीडियो मेरा देख रहे हैं उनको वेलकम है, हमेशा हम बोलते हैं, कभी कभी बात होता है तो बुलाते हैं कि आइए साथ में रहिए, शादी ब्याह हो गया है, बच्चा हो गया है। तो यही है अपना दोस्तों छोटा सा स्टोरी, ये स्टोरी बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते इस वीडियो में, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा, मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।